दशमलव संख्याओं की गुना। तो एक बार उसको दोहराते हैं, 0.1 × 0.1। हमने इसमें 0.1 जो पहला 0.1 लिया था उसका अर्थ था 1/10, 10 में से एक हिस्सा हमने लिया था, यानी 10 में से एक हिस्सा और उसके बाद अगले 10 में से भी एक हिस्सा। मतलब पहले हमने वर्ग के 10 बराबर भाग किए थे, उनमें से एक हिस्सा लिया था, फिर वो जो 1/10 भाग आया था उसका भी एक हिस्सा, उनके 10 हिस्से करके उनमें से भी एक हिस्सा लिया था। तो आपको पता है भिन्नों की गुणा क्या होती है, ये दोनों भिन्ने बन चुकी हैं, 1/1 अंश गुना अंश, हर गुना हर, तो ये आ गया 1/100। अब बच्चों 1/100 यानी 100 में से एक हिस्सा छायांकित, ये भी हमने गतिविधि में देखा था। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, देखिए 1/100 / शतांश के लिए हम क्या करते हैं, दो अंक दिखाते हैं, मतलब दो शून्य के अंक दिखाते हैं। तो इसमें देखिए ये दो शून्य है तो यहाँ पे हम एक के साथ शून्य लेंगे, क्योंकि हमें दशमलव लगाना होता है दो अंक छोड़ के। हमने गिननी होती है, अगर 10 है दशांश है यानी 1/10 है तो दशमलव एक अंक के बाद लगेगा, अगर शतांश है 1/100 है तो दशमलव दो अंकों के बाद लगेगा, अगर कोई अंक नहीं है यहां शून्य लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पास इस तरह से 1/1000 है, सहस्त्रांश कहते हैं इसको, तो इसमें 3 जीरो है तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा इस तरह से। तो यहां पे हमारे पास 1/100 आया है तो ये 0.01 बनेगा। तो यानी इनकी गुना करके 0.1 × 0.1 = 0.01। अगर इसको हम सिंपल इस प्रकार से गुना करें, देखिए 1 × 1 = 1, 1 = 0, 0, फिर 0 × 0 = 0, 0, तो ये देखिए क्या आएगा 1। उसके बाद अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहां पे है, दशमलव के बाद एक अंक यहां पे है, दो अंक हो गए, तो दशमलव जो आगे लगेगा दाईं ओर से बाईं ओर जाते हुए दो अंकों के पश्चात लगेगा 1, 2, तो यहां आ जाएगा ये यहां 0 था, ये 0 था, तो दशमलव यहां आएगा, तो उत्तर आएगा हमारा 0.01। जा रहे हैं दशमलव संख्याओं की भाग। एक उदाहरण लेते हैं सबसे पहले हम। मेरे पास एक रस्सी है, 10 मीटर लंबी रस्सी है, मुझे इनको 2-2 मीटर के कुछ भागों में बांटना है, 2-2 मीटर के भागों में, इस रस्सी को 2 मीटर के भागों में बांटना है, तो इसके कितने भाग होंगे सोचिए। बहुत सरल है आपके लिए, आपने सोच लिया होगा कि इसका उत्तर होगा 5। अब इसका उत्तर 5 किस प्रकार से आया, आपने क्या किया, 10 को 2 से भाग किया, 2 × 5 = 10, 5 उत्तर आ गया। कि अगर 10 के हम 2-2 के टुकड़े करेंगे, 2-2 मीटर के टुकड़े करेंगे तो ऐसे 5 टुकड़े होंगे, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर, तो इस तरह से इसके 5 टुकड़े हो जाएंगे। हम यहां अंदाजन ले रहे हैं कि 2-2 मीटर है, क्योंकि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 2-2, तो ये देखिए 5 हिस्से इसके हो जाएंगे। पर अगर मान लीजिए यहां पे इन संख्याओं की बजाय 10 और 2 की बजाय दशमलव में संख्याएं हो, तो इसका एक उदाहरण देखते हैं, तो हम इसका आंसर किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम किस प्रकार से देखेंगे कि इसके कितने भाग होंगे, तो चलिए देखते हैं। सविता अपनी कक्षा की सजावट के लिए एक डिजाइन तैयार कर रही थी। उसे एक 1.9 सेंटीमीटर लंबाई वाले कुछ रंगीन कागज की पट्टियों की आवश्यकता थी। उसके पास 9.5 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक कागज की एक रंगीन पट्टी थी। इस पट्टी में से अभीष्ट लंबाई के कितने टुकड़े वह प्राप्त कर सकेगी। देखिए आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है इसमें स्क्रीन में, तो इसके उसको टुकड़े करने हैं, कितने टुकड़े करने हैं,
ये हमें निकालना है। छोटे टुकड़े जो उसकी लंबाई दे रखी है, बड़े टुकड़े की लंबाई और छोटे टुकड़े की लंबाई दे रखी है, तो हमें बड़े टुकड़े को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। तो देखिए ये बड़ी पट्टी है 9.5 सेंटीमीटर और छोटी पट्टी है 1.9 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसके माप के बराबर बराबर हिस्से करें, यानी हमें इसको भाग करना है, तो किस प्रकार से ये होगा? देखिए अगर हम इस तरह से देखें तो इसके कितने भाग हो रहे हैं, 5 भाग हो रहे हैं, यानी हमने इसको भाग किया है, भाग मतलब भागों में बांटा है। तो हम क्या करेंगे, 9.5 को भाग करेंगे 1.9 से, तो हमारा उत्तर आएगा 5। हमारा उत्तर आएगा 5। तो देखते हैं कि हमारा ये उत्तर 5 किस प्रकार से आया। तो बच्चों इसमें जब हम 9.5 को 1.9 से भाग करते हैं, तो 9.5 को पहले हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, 95/10 भाग 19/10। अब भाग के चिन्ह को जब हम कूना में बदलते हैं तो 19/10 का व्युत्क्रम आ जाएगा 10/19। इसके पश्चात अगली लाइन में देखिए 10 से 10 कट जाएगा। अब 95 को जब 19 से भाग देते हो तो उत्तर आता है 5। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं दशमलव संख्याओं की 10, 100 और 1000 से भाग। सबसे पहले हम संख्या ले रहे हैं 31.5। अब यहाँ दशमलव है, एक दशमलव के बाद एक अंक है, बटे में एक शून्य आएगा, यानी 10 आएगा। अब भाग के निशान को जब हम गुणा में बदल रहे हैं, तो यहाँ इसका व्युत्क्रम आ जाएगा 1/10, यानी ये रकम उल्ट जाएगी, बटे में आ जाएगी, और यहाँ 10 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1/10 में बदल जाएगा। अब अंश को अंश से गुणा कीजिए, हर को हर से, तो ये आ जाएगा 3.15। इसके बाद अगला देखिए, अब है 31.5/100, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 305/10 भाग के निशान को गुना में बदलते हैं, तो 100 का बन जाएगा 1/100, इसका व्युत्क्रम आ जाएगा, यानी ये रकम उल्ट जाएगी, तो अब ये बन जाएगा 315 एकम 315 और 10 × 100 1000। अब देखिए बटे में 3 0 आ रही हैं, तो दशमलव 3 अंकों के पश्चात लगेगा 5 1 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ दशमलव लगेगा। अब इसको दशमलव 315 भी कह सकते हैं, 0.315 भी कह सकते हैं। इसके बाद 1000 से भाग करनी है, तो हम करते हैं भाग को बदलेंगे गुना में, और यहां 1000 का व्युत्क्रम आ गया 1000, 1/1000, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 5 1 3, देखिए हर में 4 जीरो हैं एक के साथ, तो यहां पे 1 2 3 4, 4 अंक चाहिए, उसके बाद दशमलव आएगा, तो यहाँ ये बन जाएगा 0.0315, 0.0315, मतलब यहाँ पे दशमलव के आगे हम जीरो लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम दशमलव संख्याओं की 10, 100 और 1000 से भाग करते हैं। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं पूर्ण संख्या की दशमलव संख्या से भाग, तो हम ले रहे हैं 6.4/2। अब आपको पता है 6.4 को हम लिख सकते हैं 64/10/2। अब देखिए हम क्या करेंगे, भाग के निशान को जब बदलेंगे गुणा में, तो यहाँ रकम उल्ट जाएगी, यानी 2 का व्युत्क्रम आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 32/10, 3.2। इसके बाद अब हम करेंगे दशमलव संख्याओं की दशमलव संख्याओं से भाग। तो अब हम करने जा रहे हैं दशमलव संख्याओं की दशमलव संख्याओं से भाग, तो हम उदाहरण ले रहे हैं 25.5/0.5, 25.5 भाग को अभी हम दशमलव हटाते हैं तो बटे में 10 आता है, भाग का निशान दशमलव हटाया, बटे में 10 आया।
255 बटे 10। अब भाग के निशान को गुणा में बदल रहे हैं तो ये बन जाएगा 10 बटे 5। 10 से 10 कट गया, पंजू पंजा 25, 5 एकम 5, ये आ गया 51। तो बच्चों इस तरह से हम दशमलव संख्याओं की दशमलव संख्याओं से भाग करते हैं। तो बच्चों आज हमने भिन्नों की गुणा, भिन्नों की भाग, इसी प्रकार से दशमलव की गुणा भाग सीखी। अपनी गणित की पुस्तक से आप इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।